American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार का पब्लिक डिबेट। तस्वीर में बने आपके पास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपके पास आ रहा हूँ। चुनाव हारने वाले लोग यहाँ पर बैठ के और ये क्या बात करेंगे, ये क्या जाने हमास के साथ चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन भारत के बारे में कैसे लड़े फलस्तीन के बारे में? ये इन्होंने कभी पढ़ा है फलस्तीन और इसराइल को? पता है इनको पूरी तारीफ पता है, क्या जानते हैं? शांत, ये बोल नहीं सकते, इनके पास कोई मैटर नहीं है फलस्तीन के बारे में, इसलिए ये इधर उधर बावली की तरह से बावलों की तरह खेले चले जा रहे और चुनाव के लिए निशाना साध रहे, इसलिए नहीं आए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारे पास इसी बोलिए, चलिए आपको चुनौती देता हूँ, बोलिए हमारे साथ ठीक है, बोल रहे सारी जनता, सारी जनता जानना चाहती है। अरे आपसे लेकर आप हमारे पे थोड़ी रहे, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमारे में कहता हूँ बोलो तो ये चिल्लाने लगते हैं, कौन सा रिश्ता जुड़ा है हमारे से? हम लोगों को खड़ा करते हैं, हमें भी इज्जत किया जाता है। अपनी बात को ये कोई बात है, यह राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी है तो क्या है? एक चीज़ गौरव, गौरव सर, आप इससे तंत्र से जुदा कर देना, हाथ पे ले लेंगे तो भी कहेंगे भारत की गौरव 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 सारी तरह नहीं है। अरे छोड़िए, हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते इस देश को, मिटा देना देश के लिए, हमें बेकार की बात है, नहीं बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री से पूछ के आए, प्रधानमंत्री से पूछे, अरे हमारे बात है कि नहीं, घर की बातें चैलेंज कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से, हमारे इसके जुड़वा भाई यहाँ खड़े हुए हैं, हमें सिखाइए है। ये पूछ के आए प्रधानमंत्री से, मैं मान जाऊंगा, प्रधानमंत्री कहे नाम लेके क्या बात आतंकवादी, मैं मान जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार बोल चुके प्रधानमंत्री, आपको लगता है आपकी क्या राय है? लेकिन आपने बोला कि मैं हमास पे बात करूंगा, मैं पैलेस्टाइन पे बात करूंगा, विषय पे बात करूंगा। आप बताइए, इस देश के अंदर तौकीर रजा जैसे नेता हैं या फिर मौलाना हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको, और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैंने 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो दोबारा चुन के आ रहा हूं, तो उनकी बात मानते हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही आप हमास के विषय में कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता हूं, इस पर आप बोलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? देखिए, ये डिप्लोमेसी का इशू है, लोकल पॉलिटिक्स का इशू नहीं है। एक सेकेंड, तो अगर डिप्लोमेसी का इशू है और इसमें कोरे हैं गौरव भाटिया, तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार स्टेटमेंट दे दिया 7 तारीख से अब तक, उन्होंने हमास का नाम क्यों नहीं लिया? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं ना। कल हमारे जो एनईए के स्पोक्स पर्सन है, आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ कुछ और है और डिप्लोमेसी में कुछ और है। देखिए, कल एनईए के स्पोक्स पर्सन ने भी जब बात की, उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या हमास को हम ऑफिशियली एक आतंकवादी संस्था घोषित करें? आप क्या मानते हैं हमास तो को? उन्होंने ये कहा कि नहीं, क्या मानते पहले है? पहले जो स्टैंड है भारत का वो तो जान लीजिए, उन्होंने ये कहा कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को उन्होंने पूछा गया एमईए के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ओके, रिप्लाई टू दिस, देन ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखिए, आप सवाल तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अमित जी जी, 40 सेकंड्स सर, शार्प रिप्लाई। विदेश मंत्रालय को ये बता रहे हैं क्या बोला, आप देख लीजिए, ऑनलाइन है और हमने तो उसको देखा भी है। देखिए बात क्या है, 3 बड़े हमले हुए हैं पूरे, हमास आतंकी संगठन है कि नहीं आपके अनुसार? टोटल इसमें कोई शक लगता है आपको? इसके दो कारण बताइए। यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं, पहला तो ये। सुने जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता नहीं है, सारे खड़े सिग्नेटरी कह रहा है, अमेरिका ने नहीं कहा है, बाकी किसी ने नहीं कहा है, बस सिर्फ मोदी ने नहीं कहा है, रशिया चाइना सब लोग वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं, इनको नहीं पता, कुछ नहीं पता है। यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में भी अमेरिका और इसराइल के दबाव के बावजूद उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा, ठीक है गौरव भाटिया, वो कह रहे आतंकी संगठन नहीं कहा। मैं देखिए, एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पे इनको समझाने के लिए हूँ नहीं, इनको क्योंकि समझ में आएगा नहीं, ये सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि मैं सोया हूँ, ये सोए हैं नहीं।
प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इसीलिए लेके आया हूं। क्या बोला है? शांत होइए पहले। आप बीच में अगर दोबारा बोले अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है बस बोल दिया। क्या अच्छा नहीं है? क्या आप चीन जाइए, हक्का नूडल्स खाइए, आप चुप कीजिए। बीच में क्यों? गलत बात है अमीर जी, मेरे बीच में बोले बस, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, आपको पता है, नॉलेज भी नहीं है। सुनिए, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट दिखा रहे हैं। पहले सुनिए, आप वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने करा है कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस का मत बोलवाइए तस्लीम, तस्लीम नो, यूनाइटेड नेशंस। चुप रहिए, क्यों चुप रही है? पहले की हिस्ट्री आपको पता ही नहीं है, ना बोला हो तो बोलिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा ऑडियंस की बात जाता हूं, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूं, सुन लीजिए सर, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूं। नहीं, अभी मैं अपनी बात पूरी करने दो। पहली चीज, अमीश भाई, आपने एक प्रश्न पूछा था कि ऑपोजिशन क्यों प्रश्न पूछता है प्रधानमंत्री से और बीजेपी और सरकार से, सबूत मांगता है, सबूत मांगता है ना? बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट अमरीका की लाइन को फॉलो करती है। मेरा यह आरोप है, उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, मुझे दिखाना है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, प्रेशर में आती है, जैसा इज़राइल अमेरिका। क्या सबूत मांगना चाहिए भारत की सेना से? जो जिसको लगता है, जिसको लगता है वो हाथ खड़ा करे, सबूत मांगना चाहिए। जिसको लगता है नहीं मांगना चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे, नहीं मांगना चाहिए सबूत वो अपना हाथ खड़ा करे। पूछना हर नागरिक का फर्ज है, नहीं मांगने चाहिए सबूत भारतीय सेना से। प्रजातंत्र नहीं होगा, आप हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, आप कहते तो हाथ खड़ा करिए जो जो बने। देखिए, ओवरऑल प्रश्न, कम से कम 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं।